कृषि उपज मंडी में धान का उचित दाम नहीं मिलने से किसानों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है, जिसको लेकर किसानों ने धान खरीदी का बहिष्कार करते हुए मंडी परिसर में जमकर हंगामा किया है। हंगामे की जानकारी पर मौके पर पहुंचे राज्य विधायक अमितेश शुक्ल ने किसानों के साथ अन्याय होते देख जिम्मेदार अधिकारी मंडी सचिव को जमकर फटकार लगाई है और व्यवस्थाओं में सुधार लाने की चेतावनी दी है। इसके बाद किसानों और व्यापारियों से आपसी सामंजस्य बनाते हुए उचित दाम पर धान खरीदने की अपील की गई है। यहाँ किसानों की जो शिकायत ये जो है धान का जो है सचमुच में जो उनकी जो लागत जो आ रही है उस लागत पे भी उनको जो है बेचने पे धान का मूल्य नहीं मिलता है। 200 रुपये कम ले रहे हैं, 1500 रुपये कम से कम 1500 रुपये देखना चाहिए। भुगतान तो सही समय नहीं मिलता है, कम 1600 रुपये जाना चाहिए, बिछड़े 1550 जाना था वही रेट बिकना चाहिए। यहाँ तो और रेट गिरता ही जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा भाव हमारे व्यापारियों को मिलना चाहिए, क्योंकि अभी जो भाव मिल रहा है बहुत ही कम है, 1200-1300 भाव बहुत ज्यादा कम है। तो निश्चित रूप से अभी तो 1400 में यहाँ आज हुआ है, मगर मेरा ये प्रयास है कि भाव अच्छा मिले हमारे जो किसानों को, और उसके लिए ये जो मंडी के सब अधिकारियों से चर्चा हुई है।